नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर के थाना 60 के पहेवा गांव में अंबेडकरवादी लोगों के द्वारा की जा रही बौद्ध कथा में कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने के विरोध में भारतीय दलित पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम पैंथर ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस कमिश्नर आरके स्वर्णकार ने बताया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ज्ञापन देने आए पैंथर अध्यक्ष ने बताया भगवान बुद्ध की कथा खत्म हो चुकी थी, तभी अराजक तत्वों ने कथा पंडाल में फायरिंग की जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। धनीराम पैंथर ने कमिश्नर आरके स्वर्णकार से दोषियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की तो समस्त अंबेडकरवादी लोग सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। धनीराम जी, आज क्या घटना घटी, तो कहां पर आप आए? पहेवा गाँव है, साण थाना है, जहाँ बुद्ध कथा हो रही थी वहाँ पर लोग आए। बुद्ध कथा खत्म होने के बाद वहाँ दमंगों ने बर्बर अत्याचार किया और फायरिंग की, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरी डिमांड है, मैंने कमिश्नर साहब से भी कहा है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए, ये हमारी डिमांड है। क्या ये घटना पहले साबित थी? देखिए, जब अनुसूचित जात के लोग मारे जाते हैं या बाबा साहब के भगवान बुद्ध की कथा कहते हैं, तो अभी जो जानकारी हुई है उसमें पहले ही आकर ये बात कही गई थी कि यदि बुद्ध कथा की गई तो वहाँ पर कत्लेआम होगा, ये बात पहले कही गई थी। मुझे लगता है जिन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने भी ये बात कही थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कहाँ पर आए थे? हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और बाकायदे हमने ज्ञापन दिया। क्या कहा कमिश्नर? कमिश्नर ने कहा 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और जो लोग भी होंगे उनकी सबकी गिरफ्तारी होगी। क्या मांग करते हैं आप? हम कहते हैं कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उन लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। अगर ये नहीं हुआ तो विशाल आंदोलन होगा, समस्त अम्बेडकरवादी संगठन एकजुट होकर हम इसमें आंदोलन करेंगे।